गाजीपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। 28 जुलाई की शाम तक गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। गाजीपुर में 28 जुलाई की शाम तक 23,800 से अधिक सैंपल कलेक्ट किए गए थे। इसमें से 21,800 से अधिक सैंपलों के नतीजे आ गए हैं। गाजीपुर में 28 जुलाई को मिले 55 पॉजिटिव केस को जोड़ दें तो अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1024 हो गई है। हालांकि इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 466 ही है। अब तक 548 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को गाजीपुर में कोरोना के 55 नए मामले मिले। इनमें कई पुलिस वाले भी इस घातक वायरस की चपेट में आए हैं। बहरियाबाद थाने के 10 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह गहमर थाने से 8 और सैदपुर थाने से 1 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा दिलदार नगर से 1, गहमर से 4, जमनिया PHC से 3, CHC सैदपुर से 3 मरीज मिले हैं। 1 मरीज SP आवास से, 1 शास्त्री नगर गाजीपुर से, 1 बड़ी बाजार सदर, 1 कोट किला कोहना, 1 जफरपुर मोहम्मदाबाद, 1 जमालपुर, 1 नवपुरा मोड़ मोहम्मदाबाद से मिले हैं। लोहरपुर से 1 और चंदनी भावरकोल से कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कलेक्टर ऑफिस से 1 मरीज मिला है। इसी तरह नवली, डेढ़गावा, नगर, मीर राय, उतरौली, नेवादा, नसारा और जखनिया से भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कई रैंडम सिलेक्शन से मिले हैं तो कुछ मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। चाहे वजह जो भी हो, गाजीपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी भी कायम दिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क पहने और कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।